महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाने और उन्हें 40% आरक्षण की बात कहकर प्रियंका गांधी ने भाजपा और अन्य दलों की नींद उड़ा दी है। शाजापुर में मुख्यमंत्री से मिलने जा रही आशा बहुओं से मारपीट को प्रियंका गांधी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज प्रियंका गांधी लखनऊ में अपने आवास पर आशा बहुओं से मिली, उन्हें हर संभव मदद और हर कदम पर खड़े होने का भरोसा दिलाया। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आशा बहनों ने कोरोना के दौरान अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी हैं। वो आज अपनी जायज मांगों को लेकर आपके पास गई थी। प्रियंका गांधी ने इस बार आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय उनको मिलेगा। साथ ही साथ यूपी सरकार के द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक एक बार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। उन्होंने कहा कि मेरी आशा बहनों ने कोरोना में और अन्य मौकों पर पूरी लगन से सेवाएं दी हैं, मानदेय उनका हक है, उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य है। आशा बहनें सम्मान की हकदार हैं और मैं हर लड़ाई में उनके साथ हूँ। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री से मिलने जा रही आशा वर्कर्स को पुलिस ने रोका था। आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई थी। एसपी का बयान, मीडिया में बयान, एसपी ने प्रेस में बोला होगा कि कौन सी धारा है? जी हम बता दें, चेक कर लो, देखो बयान में देखो। मैडम है कि हमारे 332 353 के चांस है। हम लोगों का बताया कि 18 से अभी तक नहीं दिया गया। जो नए नए मतों पे काम करवाते कोई पुष्टा नहीं किया, तो कोरोना में भी तो आपने बहुत भूमिका निभाई। जब हम घरों में बैठे थे तब हम लोग वहाँ पे घर घर जा करके दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, घर घर से उनका रिपोर्ट दे रहे हैं और हम लोगों को मिल गया रहा, सब काम मिल रहा है, मार मिल रही पुलिस वालों के द्वारा, महिला पुलिस कमलजीत कौर आप हूँ। ये कह रहे हैं आपकी मांगे पूर्ण करा दी गई। नहीं, कौन सी मांगे की बात? सर वही बात बताया जो आपको बता रहे हैं। पर मुझे थोड़ा इसका वॉल्यूम लो है, जरा सुनना, कान पे लगा के सुनना, जरा धारो कुछ ये करेगा अंत नहीं। उस पर लिखा है धारा कुछ, यहाँ पे कह रहा है धारा कुछ। बस में रह जाके मैम मुझे इतना मारा है, इतना मारा, इतना तो कोई जानवरों के साथ भी बदसलूकी नहीं करे, वो भी महिला पुरुष दोनों ने। नीरज एसआई ने भी मेरा हाथ मरोड़ा, फोन छीना और उसके बाद में बाल लोचे ये कहा गया पुलिस दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, ये नहीं नहीं हुई ना, 4 बजे उल्टा इनके कर दिया। उसके बाद रात को ही तो कहा कि हम लोग लोग लेते डर था, हम लोग खुद रात में ही हम लोग को अरेस्ट न कर। मैडम इसमें धाराएं नहीं बताई, रात में ही हम लोग को भी अरेस्ट न कर, तो हम लोग रात को ही लेके आ गए। सुबह क्या आप आने देते, नहीं आने देते।
मतलब कायदे में तो उन्होंने वादा किया था, उस हिसाब से इंस्पेक्टर ने वादा किया था, उस हिसाब से उस महिला एसआई पर जिसने मारा इनको उस पर कार्रवाई हुई। अगले दिन एसपी ने मिलने का समय ही नहीं दिया इनको, 4 बजे के बाद वीडियो आया। तो कभी कोई ऐसे अधिवक्ता है आपके यहाँ संदीप, यहाँ पे कोई अधिवक्ता है जिनसे हम बात करा सकते हैं, जो इनकी जो लीगल स्टेटस है वो बता सकते हैं और फिर एफ आई आर दर्ज कराने के लिए? हाँ। आप सभी शाहजहांपुर के हैं, सभी शाहजहां हमारी पार्टी भी कर सकती है उनके लिए? वो चेयरमैन नितिन मिश्रा जी हैं, मगर और भी लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं बार में। हाँ, तो चेक करना चाहिए कि किसी एक जने पे ना आए वो बार।